का अगर आप हो तो आमदनी किसको जा रही थी? और एक बात, वो कारखाने को नहीं देंगे, कब्रिस्तान को भी दे सकते थे। क्या चीज जगह वो तोड़ तोड़ी करके पूरा पत्थर साफ करा के? भाई आप ये बोल रहे हैं, आसान है आपको बोलना, जरा जाओ स्पॉट पे देख के उसके आगे आप मेरे सवाल। हम नहीं बोल रहे साहब, ये लोगों एग्जाम लगा रहे हैं, लोगों का छोड़ो साहब, लोगों को क्या तकलीफ हो गई? मेन बात, वहाँ बैठ के जो सर रातों में पीना, जुआ खेलना, गांजे मारना, वो धंधा था उन लोगों का। ये वो जगह खराब हो जाएगी। साहब एज ए कमेटी आप है, जब आपकी एक मस्जिद की कमेटी है, खबरस्तान की कमेटी है, दरगाह कमेटी है, तो आप लाए जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जाके एक मेमोरेंडम देना, कंप्लेंट फाइल करना इस बात। मस्जिद उस्मानिया खबरस्तान वगैरह का जो है सरपरस्त आला हूँ कमेटी का, और सरपरस्त जो है ना ये बाजू बैठे हुए मेरे अब्दुल रहीम साहब। कल हम लोग जो सो कब्रिस्तान के आमदनी के लिए मस्जिद की, वहाँ पे एक साहब को किराए से ज़मीन दिए कब्रिस्तान में, तो वो जो है 3 दिन से काम चल रहा था। अब वो महल्ले के बदमाशों को नागवार गुजरा हो, वहाँ पे बैठ के जुआ खेलते, पीना, गांजा वांजा मारते रहते थे। अब उन लोगों को तकलीफ हो गई तो वो लोग क्या करे, वरगला के पूरे महल्ले वालों को जमा करे, कल जमा करके जो है ना बयानबाजी करे, सोशल मीडिया ये वो क्या क्या तमाशे है पूरे करे। तो स्वास्थ्य जो सब आज सफाई के लिए हम लोग, आप ये जो पी रहे खा रहे जुआ खेल रहे बोरे आप, तो इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करेगा इससे पहले आप कभी? पुलिस रात के 12-11 के बाद आके बैठते, सुबह सन्नाटा होने के बाद अब वो बैठते, जब तक काम है उन लोगों का कर लेके उसके बाद निकल के चले जाते। तो आप लोगों की तरफ से पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई कई वक्त बोले भाई, मगर वो कोई एक्शन नहीं है उस पर, पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। इधर से आए तो उधर से भाग जाते, उधर से आए तो इधर से भाग जाते, ऐसा है वो। साहब ये मेन मुद्दा क्या है कब्रिस्तान का? जो मुद्दा है पब्लिक जो आके इतराज करी जो कारखाना बन रहा बोल के जी, उसके आप कमेटी के क्या है आप? मैं जो है ना कमेटी का सदर हूँ। सदर है पूरी कमेटी का? तो आपके पास एग्जाम लग रहा है, कारखाने को दे रहे हैं परमिशन पैसे लेके बोल के जी, बच्चे इतराज कर रहे हैं जी, आप उसमें गाली गलौज भी कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है आपका? नहीं नहीं, वो गाली गलौज का जो मतलब है ना, वो वहाँ पे उन लोगों को समझाए, जितना समझाना था समझाए, बोले तो वो एक एक 100-150 आदमी जमा है, अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से बोल रहा, तो समझाए तो नहीं समझे तो जब आखिरी में एक गाली दिया मैं, और नहीं दिया बल्कि इनकार नहीं कर रहा हूँ, एक बार गाली दिया उसके बाद सबको हटा दिया। जो जीएसएमसी उठाई गई दीवार उठाई थी वो, तो आप किसकी परमिशन से वो दीवार तोड़ने लगा सब? जीएसएमसी उठाने लगे थे ना दीवार, तो आप विदाउट इंटीमेशन, विदाउट जीएसएमसी की परमिशन के कैसा तोड़ने लगा सकते हो दीवार? नहीं, वो काम वाला खुद तोड़ा, हमने तोड़ा है। आप सदर है ना साहब खबरस्तान के, तो आपको ये मालूम था कि जीएचएमसी की दीवार टूट रही है, तो आपको कुछ परमिशन या वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट से कुछ आप लेटर वगैरह लेके आएगा? एक गेट लगाने के वास्ते वो दीवार तोड़े, अब फिर वहाँ गेट बैठ गई तो खत्म हो जाता मसला। वो तो ये एक्चुअली वक्फ बोर्ड की जमीन है, नहीं प्राइवेट लैंड है? वक्फ बोर्ड नहीं, खरीदी हुई जमीन है। किसके वो ओनर है? क्या ओनर है? मर गए, अब हम लोग उनके मुतालिक ही नहीं। तो कुछ पेपर डॉक्यूमेंट आपके पास है? वो सब है, वो सब है, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे है हमारे पास। आप नोटिफाई है साहब आपका कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में? नहीं, वक्फ बोर्ड में नोटिफाई नहीं है। और एक बात, आप जो बोले हैं कल कब्रिस्तान आप क्लोज कर देता हूँ बोल के बोले? अच्छा, आप बोले कल ये आपकी जबान ही, अच्छा कब्रिस्तान में बंद कर देता हूँ, कौन रोक सकता, रोको रोके, आप क्या बात से बोले कब्रिस्तान रोकते रोक, बस्ती वाले तकसीम के लिए कब्रिस्तान है ना? हाँ भाई, तकसीम के लिए है, हम इनकार नहीं कर रहे। अब एक एक जना एक एक सवाल कर रहा, तुम बोला तो कल मैं अगर रोक दिया तो क्या कर लेते तुम लोग? बड़ा अख्तियार आप कौन दिया जो खबरस्तान आप मुझसे बोल के बोल रहे? भाई हम खरीदे हुए हैं, कौन दिए क्या बात, जमीन हम खरीदे हैं खाली, वो बलिया की जानिब से वो भी दुनिया की पैरवी करके एमपी साहब के जाके बोले तो बाउंड्री बनी। कितने साल हुआ खरीद के? जमाना हो गया 40 साल के ऊपर हो गया। लेकिन साहब कब्रिस्तान खरीदे हुए बोल रहे, लेकिन जब कब्रिस्तान की जगह के लिए जाना होता तो आपसे परमिशन ले? जमीन खरीदे कब्रिस्तान की? वही साहब, जो जमीन खरीदे ना आप, लेकिन जो खबर की जगह के लिए जाना पड़ता है, तो या के लोगों का कहना है कि किसी और के पास जाके खबर की जगह अलॉटमेंट करानी पड़ती है, आपके जरिए से खबर की जगह नहीं मिलती, ऐसा है कि लोगों का कहना है? ये सदर है, ये जो साहब है अब्दुल रहीम साहब, ये सदर है, इनो चिट्ठियां इशू करते, तो वो चिट्ठी इशू करके लाके खबर खोदने वाले को दिए, तो उन्हें जो है ना खबर का काम करता, समझ रहे हैं जी, सिस्टमेटिक काम है, एक ही वन मैन शो वाला काम नहीं है, इनके ने जाना है, इन्होंने चिट्ठी दी है, इजाजत पूरा तहकीक करके दिए, तो जब जो है ना खबर खुदती। ये आप जो कल काम हुआ दीवार तोड़ने का, ये पूरे कमेटी वालों के में था, मालूम में था पूरे जनों को? ये हाँ, ऐसा होने वाला है? दिए थे भाई उनको किराए पे दिए, तो लाजमी है काम करने वाला,
जितनी जरूरत है उतना लेंगे ना। लेकिन बस्ती के लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो है कब्रिस्तान से काफी आमदनी हो रही है, क्योंकि जो है डब्बे वगैरह भी एक एक डब्बे का 600-700 रुपए किराया है, तो वो भी आमदनी है, तो वो उस जगह पहले कब्रिस्तान में कम है, तो उसको जगह बर्खास्त करके जो है कारखाने को देने की क्या जरूरत ऐसा पड़ गई, बोल के बस्ती वाले बोल रहे हैं। आप लोग अगर चल के देखते बोलो तो चल के बताता हूँ अभी, आप तो दफन भी नहीं हो सकते, जगह है ही नहीं वहाँ खबरा बनाने की। खबरा बनाने के लिए साफ जगह होना और जो है 4 फीट डेप होना, तो जब जो है खबर बनती। अब पत्थर जहाँ है पत्थर पहाड़ में, तो खबर कैसा बनती आप ही बोलो। तो वकबोर्ड के जरिए आप पत्थर फोड़ा भी सकते हैं ना सर? नहीं फोड़ रहे भाई, कोई भी सोप कर लेके देख लिए हम, छोटा मोटा अगर 5 लाख का काम रहा तो हम खुद करा लेते। MIM वालों के पास जाके वहाँ उनको भी बोले तो ठीक है करेंगे करेंगे बोल रहे, करा रहे कोई भी नहीं। वकबोर्ड में दिए एप्लीकेशन? वकबोर्ड में दिए एप्लीकेशन अभी पत्थर फोड़ने के लिए? नहीं वकबोर्ड में दिए, वो लोग कर लेते बोले काम, तो हम बोले ठीक है बोल के लाके सर्वे कराए, करा के जैसा बताया तो करेंगे बोले, मगर बहुत बड़ा काम है। देखिए आप लोग गए थे उधर? जी जी। नहीं गए? गए देखिए। देखे ना पत्थर कैसा है, वो पत्थर में खबर बनती ना करा पड़ी रही है जगह बोल के, उन्हें आया तो दिए एक जरिया बनता बोल के, पूरी गंदगी फैल रही है उधर। आवाम का कहना है बस्ती का एक बार जाके सर्वे भी कर सकते हैं, कंप्लेंट दे रहे बोल के बोल रहे हैं लोग, तो लोग क्या बेसिस पे कंप्लेंट दे रहे हैं? आप बोल रहे जाती खरीद से प्रॉपर्टी है बोल के बोल रहे हैं, वोट की नहीं है बोल रहे हैं, ऐसा जबानी नहीं बोल रहे हैं। आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है सर? आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है? कौन सी? आपकी जो कब्रिस्तान की कमेटी है वो कमेटी रजिस्ट्रेशन है आपकी? कब्रिस्तान की नहीं है, सुनो आप जी, मस्जिद कब्रिस्तान ये दोनों मिला के है, तो दोनों की एक कमेटी है, रजिस्टर्ड है वो। हाँ कब रजिस्ट्रेशन करा सब कमेटी का? जब भी करा जमाना हुआ, को रजिस्ट्रेशन पेपर्स वगैरह कुछ है कमेटी? आप जो डॉक्यूमेंट है कमेटी के रजिस्ट्रेशन में नहीं दिया बोलते, बस्ती वालों को ये बात क्यों नहीं बोले आप? ये बकबोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम खरीदे से प्रॉपर्टी है मेरे भाई, सबको बोले सबको मालूम है बदमाशियां कर रही है, तो इसके खिलाफ क्या करेंगे आप जो बदमाशी कर रहे हैं? नहीं कल जो तो ये लोग गलत सलत गुफ्तगू करे मुड़ी मीडिया में डाल दिए वो करे, तो उसके जवाब के आस्ते हम आप लोगों को बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। फहीम साहब यहाँ का जो पैसा आता फहीम साहब खुद अपने पास में रख लेते, सबसे बड़ी चीज आप जैद बकर जिसके पास है खाजी नाको उनके पास रखा दे तो उन्होंने एक रुपया भी अपने घर को नहीं लेके आते। आप है आप रखो भाई, आप हिसाब किताब रखो, सिर्फ इनकी निगरानी होती है क्योंकि यहाँ का अवकाश लोग है अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, आपका दबदबा है यहाँ, अल्लाह के करम से सब इज्जत करते हैं आपकी, इसलिए है आप क्या करें सिर्फ तामीरी काम में आप ठहरे रहते हैं आप, बाकी सब है जगह पैसा मस्जिद का जो भी पैसा आपके पास जो खाजी ने उनके पास रखा देते हैं पैसा, अब ये बेफजूल का एक अफसाना बना के बैठे, इसको क्या बोलेंगे स्कूल बनाने को देना है, स्कूल बन जाएंगे दीनी इस्लामी यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगी अगर अल्लाह ने चाहा तो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भी बना देंगे फहीम साहब वहाँ पर जगह रही तो, अल्लाह हम उनको सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, हम लोग दो बार बीमार हुए अल्लाह उनको सेहत दे, हमारी तो यहाँ भी दे, बोलना नहीं चाहिए आप बुरा मत मानिए आप लोग, अगर खुदा ना खासा फहीम साहब को होगा मस्जिद के बाजू जगह है वहाँ पर हम रखेंगे, बोला भाई मैं बोला मैं इधर भी रहने जाएंगे, अल्लाह उनको हयात दे सेहत दे उनके, इतने अच्छे काम करे है उन्होंने, आइए आप रोड पर डब्बे देख रहे हैं वो किसके लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान में जो लावारिस है उनको दफनाने के लिए है, उसको क्या अफसाना बनाए, दो आदमी तीन आदमी आके पूरे माहौल को खराब कर दे रहे हैं, एक मछली सारे तालाब को खराब करती वाले ना, सड़े मछलियां हैं ये, सड़े मछलियां हैं ये। आपका नाम बताओ? आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल रहीम है, मेरे वालिद का नाम अली गुरु में बंजिला है जी, इनके इंतकाल के बाद से मैं संभाल रहा हूँ आपके जरिए से। अच्छा के जरिए से, और ये प्रॉपर्टी जाती खरीदी हुई हमारी जो पेपर आप लोगों के सामने मौजूद है, ये जो है वक्फ बोर्ड की नहीं है ये, ना गवर्नमेंट की है, जाती खरीदी जो जमीन की है उसके ऊपर हर कोई ये वक्फ बोर्ड की बोलते हैं आप, वक्फ बोर्ड नहीं है जमीन खरीदी हुई उसके पेपर सब। अगर जब आपकी ये खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी तो जब GHMC आके जो दीवार उठा रही थी तो फिर आप दीवार उठाने की परमिशन कैसा दिए आपने? ये हमारी जाती प्रॉपर्टी है, आप जमीन दीवार नहीं उठाना बोलना था ना आप? MP साहब जी, MP साहब के पास जाके एक दो तीन बार जो सो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा बाउंड्री हो गई तो
जो हदबंदी कराया ना साहब आप, जब आपकी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती तो आप प्राइवेट हदबंदी उसकी कराना था, जो है पब्लिक के लिए, पब्लिक क्या समझ में आ रहा है, जो है पब्लिक के लिए आप कब्रस्तान लिए, लेकिन उसके बाद में जो है यहाँ पे कारखाने के लिए जगह दे रहे, कुछ कारोबार के लिए दे रहे, तो पब्लिक का जो है उससे नुकसान हो जाएगा ना, तो इस वजह से पब्लिक का ये कहना है आमदनी नहीं थी ना मस्जिद को, अभी भी नहीं है आमदनी, मस्जिद को आमदनी नहीं है, बोलिए गवर्नमेंट को बोले, वो गवर्नमेंट को बोले, गवर्नमेंट खरी काम वो गवर्नमेंट को बोले, एप्लीकेशन है एक अच्छा काम हो रहा है, अब ये नए नए कितने उठा रहे हैं, एक बदबक वो आके कभी नमाज नहीं पढ़ा मस्जिद में, समझे कभी नमाज नहीं पढ़ा, एक फैन नहीं लगा सकता होने जो है उसके बारे में बोल रहा हूँ, समझे अब इतना बड़ा काम हुआ कौन वहाँ, ये जो डब्बे डब्बे जो बोल रहे हैं आमदनी के, आमदनी क्या है, खर्चा क्या है वो अल्लाह जानता है, हम जानते हैं। कम से कम साल डेढ़ साल से मस्जिद का काम चल रहा, अभी भी उसको पूरा इंतजाम तक नहीं पहुंचा, जैसा जैसा उसका इंतजाम होते जाएगा वो मस्जिद का काम बढ़ते जाएगा। ये मस्जिद देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी आलिशान मस्जिद है, ये एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ये, यहाँ पर अगर ये फहीम साहब नहीं होते तो ये भी सामने की जो जमीन आप जहाँ खड़े हुए इसकी भी प्लाटिंग करके बेच देते थे लोग, एक छोटी सी कुतुबशाही मस्जिद थी ये, उसको आपने इतना बड़ा काम करे, कब्रिस्तान की इतनी बड़ी मस्जिद बनाए और खबर तदफीन के लिए एक रुपया नहीं लेते उन्होंने किसी से, कोई चंदा नहीं लेते, आप लोग मस्जिद में चंदा लेते साहब, मस्जिद के लिए मस्जिद का चंदा लेते, मस्जिद का जुम्मे का चल के नहीं रहता, हम हमारी खुशी से मौजूद साहब को बुलाते भाई हमारे हिस्से, आप कहने बोल रहे हो साहब, आम पब्लिक जो नमाज पढ़ने के लिए आती जुम्मे के दिन आती और महीनावारी चंदा होता तो वो मस्जिद में लेते साहब, वो तो वही पूछ रहे लेते की तरह कहाँ से निकलेंगे, इतना बड़ा काम उन्होंने फहीम साहब कर चुके हैं उसके लिए, हमको शुक्र गुजार होना चाहिए उनका, हमारी बस्ती के लिए डेवलप करे उन्होंने, ये मस्जिद की प्लाटिंग होने वाली थी, ये आप जो ठहरे हुए इसकी प्लाटिंग करने वाले थे, ये बेच के खाने वाले थे, ये कौन थे, कौन थे आप, बात है कौन है, कोई मर भी गए कुछ जिंदा है तो किधर छुपे हुए की वो, आज हम फहीम साहब के सब हम शुक्र गुजार है जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, कब्रिस्तान आज जो है वहाँ पर भी रंडीबाजी भी चलती थी माँ को, आज उन्हीं की वजह से है यार फ्री तदफीन हो रही माँ को, सिर्फ खोदने के पैसे उसको खोदने वाले को दे दो आप, अब क्या होना भाई, किसके उनको क्या तकलीफ हो रही हो, अब प्राइवेट लैंड है उन्होंने कारखाने को दो बेच के खा जाओ, किसी को औकात की जायदाद नहीं है, ये नहीं इनकी प्राइवेट जायदाद है, कुछ भी कर सकते हो, बाउंड्री बाउंड्री बनाने क्यों दिए आप, इनको आप सवाल किए तो उसका जवाब दे, तो मैं एक अच्छा काम हो रहा बोल के खामोश बैठ गए उन्होंने, नहीं साहब जब प्राइवेट जमीन जो रहती है उसकी हदबंदी अपन खुद भी करवा सकते हैं, नहीं नहीं है मेरे पास पैसा, अच्छा नहीं और एक आदमी कर रहा अच्छा काम तो कर ले, खामोश बैठ गए हम, अभी आप लोग का आगे एक्शन क्या है सब इस बारे में साहब, अभी आप एक सवाल करे थे कि कब्रिस्तान के पत्थर निकाल के खबरों को भी दे सकते, वो पहाड़ जितना ऊपर है उससे ज्यादा नीचे तो खबर कैसा बन सकती वहाँ पर, जमीन के अंदर पूरी आप चद्दर है पहाड़ की, क्या करते बोले तो वो जो कल इश्यू करे फहीम साहब के बारे में समझे, वो सरासर गलत करे वो लोग समझे, सरासर गलत करे, बस्सी वाले जो है अगर वहाँ गेट लग जाती कोई आदमी वहाँ निगरान मौजूद हो जाता तो कब्रिस्तान की भी हिफाजत होती, कोई दूसरा आदमी दाखिल नहीं हो सकता वहाँ से, समझे कब्रिस्तान का एरिया बड़ा है ना वो, समझे कब्रिस्तान का एरिया बड़ा है, अब जो है एक सेकंड साहब, एक सेकंड अब जो है बस्ती वाले जो है कुछ सिग्नेचर्स वगैरह कैंपेन चला रहे के जो है कमेटी डिसॉल्व करते बोल के, तो उसका आप लोगों का क्या एक्शन रहेंगे, उन लोगों की अगेंस्ट में क्या बोल रहे आप भाई, वो तो जो समझ में आप बोलेंगे अब उनके हिसाब से काम करेंगे बोले तो नहीं होता ना, कोई भी काम हो एक कमेटी है, कमेटी अपने हिसाब से काम करेंगी, अब रास्ता चलने वाला आके बोलेंगे तुम हट जाओ तुम लोग हट जाओ हम बढ़ जाते बोले तो ये कोई बात नहीं है, नामाखुल गुफ्तगू है ये, लेडीज को ला ले रहे हैं वक्त की प्रॉपर्टी है, वक्त की प्रॉपर्टी है बता रहे ना आपको, डॉक्यूमेंट्स पूरा शो कर रहे ना, बताओ बोलो लोगों को शो करो बोलो डॉक्यूमेंट्स, यहाँ है देखिए प्रूफ है इनके हाथ में, उनके वालिद के जमाने से है पूरा।